नमस्कार, ये वीडियो कक्षा 11वीं के लिए होने वाली है। कम किए गए पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले आपको सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ पर जाकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम फटाफट से दिखा देते हैं, आपको पूरा समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका, देखिए आपका जो है कम किया गया पाठ्यक्रम, सबसे पहले हिंदी का बता देते हैं आपको। देखिए हिंदी का, हिंदी में पुस्तक का नाम इधर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पाठ का नाम इधर दिया गया है, उसके बाद लेखक या कवि का नाम इधर दिया गया है। उसका देखिए, सबसे पहले क्रमांक एक में आपका आरोह भाग एक है ना, यानी पद्य खंड, इसमें से ये वाला पाठ कम हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्रमांक दो आरोह भाग एक पद्य खंड में से ये वाला एक, तो ये वाला और एक ये वाला कम हुआ है, ठीक है, आप मिला लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए तीन नंबर में आरोह भाग एक यानी कि पद्य खंड, इसमें से सबसे खतरनाक ये वाला जो है कम हुआ है, आप मिला करके देख लीजिएगा। उसके बाद चार नंबर में आप देखिएगा, चार नंबर में आरह भाग एक यानी कि पद्य खंड नहीं गद्य खंड, इसमें से आप अप्पू के साथ ढाई साल ये वाला आपको कम हो गया। उसके बाद पाँचवें नंबर में देखिए आरोह भाग एक गद्य खंड, उसमें से विदाई संभाषण ये वाला कम हुआ है, आप मिला लीजिएगा। पूरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको पूरा निशान हटा दूंगा, पूरा साफ कर दूंगा, ये वाला कम हुआ है एक आत्मा का ताप। उसके बाद ये वितान भाग एक है ना आलो ओधरी ये वाला काम हो चुका है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए समझाऊंगा नहीं अब मैं आपको, अब अंग्रेजी का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, क्योंकि आप सभी समझदार है क्लास इलेवेंथ वाले। उसके बाद देखिए, उसके बाद चलिए आप संस्कृत का देख लीजिए, संस्कृत सब्जेक्ट वाले हैं वो ये देख लीजिएगा, ये वाला काम हो चुका आपका पाठ्यक्रम है ना। ये पहला है 6 पार्ट और दूसरा है 12 पार्ट आपका पूरी तरह से हटा दिया गया है। उसके बाद देखिए आप उर्दू वाले, देखिए उर्दू वाले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उर्दू भाषा के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मराठी भाषा जो है, मराठी भाषा का पाठ्यक्रम यथावत रहेगा, ठीक है ना, वैसा का वैसा ही रहेगा। उसके बाद मैथ में देख लीजिएगा आप, गणित में, गणित में कम किए गए। देखिए सबसे पहले देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले अध्याय 3 में से ये कम हुआ, पूरा कम नहीं हुआ है। स्वत अध्याय 4 में से देखिए गणितीय आगमन सिद्धांत कम हुआ है, पूरा पाठ कम नहीं हुआ है। अध्याय 5 में से पूरा कम नहीं हुआ, सिर्फ 5.5 कम हुआ है, ठीक है। उसका अध्याय 9 में से भी देखिए 9.7 कम हुआ है, पूरा कम नहीं हुआ है। अध्याय 11 में से भी पूरा कम नहीं हुआ, 11.6 कम हुआ है। 14 में से पूरा कम नहीं हुआ है क्योंकि गणितीय विवेचना कम हुई है। अध्याय 15 में से भी 15.5 कम हुआ है, एक तो एक 15.6 कम हुआ है, पूरा कम नहीं हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब रसायन विज्ञान में आते हम, ठीक है। रसायन विज्ञान में आप यहाँ पर देख सकते हो ये अध्याय जो है कम हुए हैं। पहले स्क्रीनशॉट बता देता हूँ पूरा मैं आपको, देखिए पहला ये देख ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। दूसरा ये ले लीजिए, ओके। अब तीसरा ये ले लीजिए, ओके। चौथा ये ले लीजिए, पाँचवा ये ले लीजिए, छठा ये ले लीजिए, ओके। ये कम हुए हैं आपके, ठीक है ना, रसायन विज्ञान के लिए। अब जीव विज्ञान वाले देख लिए, बायोलॉजी वाले, बायोलॉजी वाले के यहाँ पर कम हुआ है। जीव जगत में विविधता है ना सबसे पहले, उसके बाद पूरा देख लीजिए आप, ये पूरा लिखा रहा है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए भौतिकी, आपको छोटे स्टूडेंट नहीं जिसको मैं समझाऊँ, उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, भाई टाइम बहुत कम है, टाइम का ज़्यादा ज़्यादा आप जो है बचाव करें, क्योंकि टाइम वापस नहीं आएगा, मुझे कोई इतना वास्ट टाइम नहीं चाहिए जो मैं आपको टाइम बिगाड़ूंगा और समझाऊंगा। उसके बाद देख लीजिए आप यहाँ पर कक्षा 11वीं वाले वाणिज्य यानी व्यावसायिक अध्ययन, मतलब कि प्रायोगिक वाले, आप यहाँ पर देख लीजिएगा वाणिज्य, वाणिज्य सब्जेक्ट चलता है आपका। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए लेखा शास्त्र वाले देख लीजिएगा, ये कम हुआ है लेखा शास्त्र वाले का, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र वाले देख लीजिएगा, 11वीं वाले अर्थशास्त्र वाले, अर्थशास्त्र वालों को देखिए ये कम हुआ है, ठीक है ना। केमिस्ट्री वाले देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखिए आप कृषि उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, उसके यहाँ पर ये कम किया गया है, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए फिर से कक्षा 11वीं वाले देखिएगा, विषय फसल उत्पादन व उद्यान शास्त्र, उसमें ये कम हुई है, आप देख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद कक्षा 11वीं वाले, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ये कम हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप विषय है कला संकाय यानी कि कृषि
कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पाठ्यक्रम यथावत रखा गया, बेशक वैसे कोई कमी नहीं की गई है। उसके बाद भूगोल वाला आप यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना, ओके। अब उसके बाद देखिए समाज शास्त्र वाले आप यहाँ पर देख लीजिएगा, पार्ट ए वाले और पार्ट बी वाले, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर देख ले पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण विषय का वर्तमान पाठ्यक्रम बहुत ही सीमित है तथा इसमें भी आंतरिक मूल्यांकन शामिल किया गया है, अतः इसे और अधिक कम करने की आवश्यकता नहीं है, पाठ्यक्रम को यथावत रखना उचित होगा। तो मतलब कोई कमी नहीं की गई है। उसके बाद मनोविज्ञान देख लीजिए आप, मनोविज्ञान वाले ये वाला कम किया गया आपका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसका देखिए इतिहास वाले, देखिए कुछ प्रायोगिक में आपको दिया गया है, एक प्रायोगिक यानी कि जानकारी एवं संबंधित कौशलों की विभिन्न विधियाँ, निम्न विषयों पर दो प्रयोग, है ना, सीखना या अभिगमन, है ना, अभिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, अवधान। कक्षा 11वीं इतिहास वाले देख लेना, इतिहास वाले ये आएगा, ठीक है ना। उसके बाद राजनीति विज्ञान वाले आप देख लेना यहाँ पर, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। कक्षा 11वीं वाले कम किए गए पाठ्यक्रम विषय वस्तु ये आई देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप ये कौन सा विषय देख लीजिएगा, पूरा ऊपर लिखा रहा है मैनेजमेंट वाला। उसके बाद एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ ये वाला देख लीजिएगा। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ साइंस ये देख लीजिएगा आप। उसके बाद देखिए ग्रह विज्ञान वाले आप ये देख लीजिएगा। भारतीय संगीत वाले आप ये देख लीजिएगा, पाठ्यक्रम पूर्व से ही है अतः निर्धारित पाठ्यक्रम को यथावत रखा जाए। उसका देखिए हिंदी में आप ये देख लीजिएगा, सभी हिंदी में तो यही है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके बाद देखिए अंग्रेजी वाले ये देख लेना, ओके। शुरुआत देखिए ये तो 12वीं का सिलेबस आ गया आपके 11वीं में, ये हिंदी में है 12वीं का, ठीक है, ये 11वीं तक यहीं पर सीमित है आपका, ओके। वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।